हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहास वर्ल्ड। आज है भैया भाभी की सेकंड मंथ एनिवर्सरी, तो उसको हम सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि जैसा हमने सोचा है कि हर मंथ हम इसको सेलिब्रेट करेंगे, छोटी छोटी खुशियां भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा बड़ा टास्क है, क्योंकि मैच के बीच में किसी को हिला पाना पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले उनके लिए मैच आता है, वो नहीं छोड़ सकते। और अब हम आईपीएल सिर्फ देख नहीं सकते हैं, बल्कि अपने ओपिनियन को देकर बहुत सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। Lotus365.in पर यहाँ पर 50+ तरीके के क्वेश्चन होंगे, जैसे कि हु विल विन मैच, हु विल विन टॉस। आप अपना ओपिनियन को देखकर बहुत सारे प्राइजेस यहाँ पर जीत सकते हैं। Lotus365 पर जाकर डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हैं और आप पा सकते हैं ₹365 का बोनस। यहाँ पर आपको मिलता है 1-to-1 24 आवर का कस्टमर सपोर्ट, और यहाँ पर 10 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स खेलते हैं। क्रिकेट के अलावा यहाँ पर है 200+ क्वेश्चन, जहाँ पर आप अपने ओपिनियन को देखकर बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रोटेला, काजल अग्रवाल, सुनील शेट्टी, नेहा शर्मा, ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर। तो देर किस बात की, आज ही आप रजिस्टर कर सकते हैं डायरेक्ट Lotus365.in पर। लिंक जो है वो मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगी। आज तुम्हारी एनिवर्सरी के साथ साथ एक और एनिवर्सरी है। किसकी एनिवर्सरी बताओ। आज ही के दिन मेरा मोबाइल गुमा था, और उसकी दुखद घूमने की एनिवर्सरी है। कितना सारा डाटा, कितना बापरे। कोई नहीं, हम वापस लाएंगे, हम उसको वापस लाएंगे। ये मेरी पढ़ाई भाभी का बन रहा है शाही पनीर। शाही पनीर हाँ मम्मी, बस बस। तो अब हम पनीर बना रहे हैं, शाही पनीर। उसकी रेसिपी मैं बता देती हूँ। ये तेल हमारा गरम हो चुका है, प्याज, अदरक, लहसुन, कुछ काजू और टमाटर, और यहाँ मैंने रखा है कड़ी पत्ते के साथ पनीर को। अब आप देखो, मैंने ऐसे छोटे छोटे साइज़ में प्याज को काटा है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है प्याज। अब मैं कट कर रही हूँ हरी मिर्ची, और अदरक के भी मैंने छोटे छोटे पीस को यहाँ पे कट करके रखा हुआ है। अब अपने अकॉर्डिंग इसको काट सकते हैं, क्योंकि ये सब ग्राइंड होगा। और इसमें मैंने कुछ लहसुन भी मिलाया है। साइड में काजू रखे हुए हैं, जिसे मैं छोटे छोटे पीसेस में कट करूँगी। सारे काजू को आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद है, क्योंकि ये सब भी ग्राइंड होंगे। साथ में टमाटर को भी मैंने ऐसा छोटे पीसेस में कट करके रखा हुआ है। और इन सबको अब मैं तेल में डाल के भूनने के बाद मिक्सर में पीस लूँगी। हमारा तेल यहाँ गरम हो चुका है। अब आप अपने अकॉर्डिंग, मैंने इसमें जीरा डाला है, अगर आपको पसंद है तो आप जीरा डाल सकते हैं। इसमें कड़ी पत्ता डाला है। अब ये जो मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची कट करके रखा है, ये भी मैं इसमें डालूंगी। मैं हींग इसलिए डाली हूँ क्योंकि ये मेरा फ्लेवर आज़म है। अगर आपको पसंद है तो थोड़ा सा आप चुटकी भर हींग डाल सकते हो, राई भी ऐड कर सकते हो। मैंने दोनों चीज़ों को यहाँ ऐड किया है। अब मैं इसको डालूंगी। इस तरीके से आपको इसे चलाना है। ये यहाँ पे फ्राई हो रहा है। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूंगी। प्याज डालने के बाद आपको इसको थोड़ा सा चलाना है, अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। आपका जब प्याज और ये सारी चीज़ें इसमें अच्छे से चला कर गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी, तो ये मसाला पकने लगेगा। हमें या इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी हम मसाला ग्रेवी तैयार कर रहे हैं, हम पीसेंगे, बट उसको हमें अच्छे से पूरा पहले भून लेना है, सेक लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। और धीमी आंच पर मैं इसे चला रही हूँ। इस तरीके से हमारा मसाला सिकता हुआ आप देख रहे हैं। अब जो मैंने काजू के छोटे छोटे पीसेस करे हैं, वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। इसे भी आपको अच्छी तरीके से चलाना है। अब मैं इसमें वन बाय वन, एक एक करके जो मेरे मसाले हैं, जो मैंने यहाँ पे रेडी रखा हुआ है, वो सब डालूंगी जब तक वो वहाँ पे सिक रहा है। दूसरे जगह मैंने पैन गरम किया है। इस पे मैंने थोड़ा सा
बटर और ऑयल को मिक्स करके पनीर को रोस्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसे बटर में कर सकते हैं, घी में कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद है अपने अकॉर्डिंग। मुझे थोड़ा सा ऑयल में पसंद है तो मैं इसको उसमें इस तरीके से रोस्ट करूँगी। ऐसे करके एक एक सभी क्यूब को आपको अच्छी तरह रोस्ट कर लेना है। और रोस्ट करने के बाद एक बर्तन में पानी भी गर्म करने रख दें, जो कि मैं थोड़ा सा स्किप कर गई थी। इस तरीके से ये सभी कुछ फ्राई हो गया है। जब ये फ्राई होने के बाद सारी चीज़ें आपको गर्म पानी में डालना है, मतलब जितना भी ये जो पनीर मैंने रोस्ट किया हुआ है इसको आप गर्म पानी में रखना है 5 से 10 मिनट के लिए। ये मेरा पानी तैयार है। अब मैं इसमें सारे पनीर क्यूब्स डाल दूंगी वन बाय वन करके इस तरीके से। धीमी आंच पर आप रोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको रोस्ट पनीर नहीं पसंद है तो आप डायरेक्ट फ्रेश पनीर को कट करके भी थोड़ी देर गुनगुने पानी में रख सकते हैं, जैसे पनीर सॉफ्ट हो जाता है। यहाँ मेरा मसाला थोड़ा भुन चुका है, अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ और इसको भी अच्छे तरीके से चलाएंगे, क्योंकि टमाटर डालने के बाद ये मसाला और भी अच्छा हो जाएगा। इस तरीके से मेरा पनीर भी पूरा रेडी है। यहाँ मेरा मसाला चल रहा है। ये जो मेरा कंसेप्ट है शाही पनीर बनाने का, थोड़ा सा अलग है। देखिए हमारा मसाला कितनी अच्छी तरीके से पक चुका है। इस तरीके से मैं आपको और चला के दिखाऊंगी। इतना ही आपको, मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है, बिना उसके ही मैंने इसको पूरा तैयार किया है। गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल रही हूँ ताकि मैं इसे अच्छी तरह ठंडा कर लूँ। हमेशा याद रखिएगा, मसाला जब भी पीसेंगे उसे ठंडा करके ही पीसना है। इस तरीके से मसाले से मैंने बाहर निकाल लिया है, थोड़ी देर से ठंडा होने के लिए रखूँगी। कितना कितना यमी दिख रहा है हमारा मसाला, कितना अच्छा सिक चुका है। अब ये मैं ग्राइंडर करने की तैयारी कर रही हूँ। सारा मसाला मैंने इकट्ठा एक साथ मिक्सर जार में डाला है, अब मैं इसको पीसूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग इसको पीस सकते हैं, आपको पेस्ट कैसा रखना है, किसी को पेस्ट पतला रखना है तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड ऑन करके भी आप अच्छी तरीके से इसे ग्राइंडर कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा ग्रेवी थिक पसंद है तो मैं इसे थोड़ा सा मोटा और दरदरा पीसूंगी, कुछ इस तरीके से। ये फाइनली मेरा मसाला रेडी है। जो हमारा तेल कढ़ाई में बच चुका था उसको हमने गरम कर लिया है। बाकी मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। मैंने फ्रेश क्रीम रखा है, ये दही है, मैं इसमें थोड़ा सा दही ऐड करूँगी, शिमला मिर्ची क्योंकि मुझे पसंद है, ये दही, ये फ्रेश क्रीम, कश्मीरी लाल मिर्च, पनीर मसाला, कसूरी मेथी भी रखना है। बाकी मैंने नॉर्मली घर के मसालों से ही इसको पूरा बनाया है। इस तरीके से तेल गर्म हो चुका है और मैं अपना पेस्ट डाल रही हूँ। अभी आप देखेंगे ये कितना थिक है। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आपका मसाला ज़्यादा थिक है और आपको लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा थिक हो रहा है, इतना हैवी ग्रेवी अच्छा नहीं लगेगा, तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड ऑन कर सकते हैं। और पानी जो है, मैंने पनीर का पानी लिया है। मैंने इस तरीके से पनीर वाला जो थोड़ा गर्म सा पानी है वो मैंने इस जार में लिया है, ताकि जो जार में बचा हुआ मसाला है वो भी अच्छी तरीके से निकल जाए और जो हमारा पेस्ट थिक है उसमें हम इसे ऐड ऑन करेंगे। क्योंकि पनीर वाला पानी मैंने इसलिए लिया है क्योंकि वो एकदम मॉइस्चर पानी लगता है मुझे, टेस्ट अच्छा आता है उसमें, पूरा पनीर का टेस्ट होता है। आप चाहें तो अलग से भी पानी इसमें मिला सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब मैं थोड़ा सा फिर से ऑयल लेकर इसमें मैं जो कैप्सिकम है, शिमला मिर्च, इसे भी मैं रोस्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको मसाले से मैं सेक सकते हैं, जैसे जब मैंने सारा प्याज लहसुन, ये मैंने शिमला मिर्ची को भी यहाँ पे रोस्ट किया हुआ है। इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, या तो आप मसाले में ऐड करें या फिर अलग से रोस्ट करें। अलग से रोस्ट करने पे इसका टेस्ट अलग आता है। इस तरीके से ये मेरा यहाँ पे मसाला सिक रहा है। अब मैं इसमें मसाला धीरे धीरे ऐड करती जाऊंगी वन बाय वन।
मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1 चम्मच, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर, क्योंकि मुझे पसंद है। आप चाहते हैं तो आप नॉर्मली दोनों चीज़ मिला सकते हैं। यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी ताकि मेरी जो पनीर की ग्रेवी है उसका कलर बहुत सुंदर आए, दिखने में थोड़ा कलरफुल लगे। इस तरीके से मेरा मसाला यहाँ पहुँच चुका है और यहाँ मेरा कैप्सिकम रोस्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरी ग्रेवी कुछ इस तरीके से दिख रही है। इसमें मैंने शिमला मिर्च मिला दिया है रोस्ट करके। अब इसको मैं थोड़ा और चलाऊंगी। आपको ये ग्रेवी को कम से कम 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरीके से चलाना है और सेकना है ताकि जो इसमें काजू और हमने सारी चीज़ें जो इसमें पीसी हुई हैं वो अच्छी तरीके से भुन जाए। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी मिलाया है क्योंकि मुझे ग्रेवी थोड़ी थिक लग रही है। मैंने कहा है आप अपने अकॉर्डिंग इसको पतला गाढ़ा रख सकते हैं। इस तरीके से हमारी कुछ ग्रेवी दिख रही है, कितनी यम्मी दिख रही है ना। पानी डालने के बाद नमक थोड़ा सा कम हो गया है इसलिए नमक इसमें ऐड किया। कस्तूरी मेथी ऐड की है, इसमें थोड़ी सी क्रीम डाली है और साथ में डाला है दही, क्योंकि खटाई के लिए हम लोगों ने दही यूज़ किया हुआ है। आप लोग आमचूर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर पनीर को कद्दूकस करके और ऐसे ऊपर से मिला दिया है ताकि उसका जो टेस्ट है और अच्छा हो जाए। इसमें डाला है शाही पनीर का मसाला, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं 1 पैकेट 2 पैकेट जैसा भी आपको पसंद हो। ऊपर से गरम मसाला, गरम मसाला हमेशा ऊपर से ही डालते हैं ताकि इसमें खुशबू भी आए फ्लेवर भी आए। हमने इतने बड़े बड़े क्यूब लिए हैं पनीर के, आप चाहें तो जैसा भी आपको पसंद हो छोटे छोटे भी डाल सकते हो आप। हमको ऐसे पसंद है इसलिए हमने ऐसा लिया हुआ है। कस्तूरी मेथी ऊपर से डाल दी है, थोड़ा सा मसाला कम लग रहा था तो और ऐड कर दिया है और बस धनिया डालकर इसको पूरा रेडी कर दिया है। कितनी खूबसूरत दिख रही है सब्जी, देखिए फ्लेवर आ जाता है धनिया से। ये थी पनीर की रेसिपी। अगर आपको ये अच्छा लगता है आप भी ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद में अगर आपसे भी ये डिश बहुत अच्छी बनती है तो आप दोबारा से हमारे चैनल पर इस वीडियो पर आइएगा। हमें कमेंट में बताइएगा कि आपने ऐसे ही ट्राई किया फिर कैसा टेस्ट था, कैसा रिएक्शन था आपकी फैमिली का, वो जरूर बताइएगा। और इसको मैंने पूरा होममेड तरीके से बनाया जो मुझे पसंद है, ये मेरा स्टाइल है। कुछ लोग बोलेंगे शाही पनीर में ये नहीं डालता है, तो मुझे ये चीजें पसंद है इसलिए मैंने इसमें सारी चीजें ऐड की हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फाइनल टच, दिखने में ही कितनी खूबसूरत लग रही है सब्जी। और क्या रिएक्शन था बाकी सबका वो आपको हमारे सेकंड चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा कि क्या रिएक्शन था। वाओ यम्मी। हमारे यहाँ पर किसी एक के लिए कोई पर्टिकुलर काम नहीं है, जिसको जो काम दिखता है समझ आता है वो काम कर लेते हैं। किसी एक के लिए नहीं छोड़ देते हैं कि ये वाला तुम्हारा काम है तो तुमको करना है, ये हमारा काम है तो हमको करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको जैसा समझ में आता है वैसे मैनेज कर लेते हैं। नया घर है, नई जगह है, यहाँ पर हमें बर्तन के लिए मेड नहीं मिल पाई अभी, क्योंकि ट्रस्टेड भी चाहिए ना, हमें ट्रस्ट होना चाहिए, हम ऐसे किसी को भी नहीं रख सकते हैं। तो बस ऐसे चलते फिरते हमारा काम भी चलता रहता है, बर्तन भी धोते रहते हैं, भाभी के हाथ में आ जाते हैं, भाभी कर लेती हैं, मम्मी कर लेती हैं, मैं कर लेती हूँ, कोई भी कर लेता है। ऐसा नहीं है कि वो रखे रखे उसको इकट्ठा कर ले। हमारे घर में किसी की भी आदत नहीं है कि काम को पूरा इकट्ठा बढ़ा कर किया जाए, थोड़ा 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 करके, ताकि समझ में ना आए ना, ऐसे में समझ में नहीं आता है। इस चैनल पर मैंने एक बात नोटिस की है कि ज्यादातर लोगों को मेरी लाइफ के बारे में, फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता है, फिर वो कमेंट करते हैं आधी अधूरी जानकारी के साथ में। प्रॉपर व्लॉग में लेकर आऊंगी जिनको नहीं पता है ताकि वो इस पर जान सकें। आप मेरे दूसरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरे व्लॉग्स मिल जाएंगे। आधी अधूरी जानकारी मत रखिए क्योंकि ऐसे में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आपके सवाल बहुत ज्यादा होते हैं। सो मिलते हैं ऐसी और रेसिपीज के साथ में, नए नए एक्सपेरिमेंट के साथ में आपसे जल्दी ही। बने रहिएगा हमारे चैनल से, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लीजिएगा। ओके बाय बाय।